हैप्पी बर्थडे या हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बर्थडे विशेष हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रिय, किसी भी रिश्तेदार के बर्थडे यानी जन्मदिवस पर बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं अंग्रेजी में। लेकिन ये एक ओल्ड फैशन और वेरी वेरी कॉमन फ्रेज है। यानी जब आप किसी भी फेसबुक फ्रेंड को या व्हाट्सएप ट्विटर पर किसी भी फ्रेंड को कमेंट बॉक्स में जाकर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, आप वहाँ पर देखेंगे कि सैकड़ों जो कमेंट्स हैं उनमें से 90% या 95% आपको हैप्पी बर्थडे या हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हुआ मिलेगा। तो उन सब में से आपका जो विश है वो अलग नज़र कैसे आएगा, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एडवांस्ड इंग्लिश के कुछ नए फ्रेजेस, जिनको अब हैप्पी बर्थडे की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन फ्रेजेज को। लेकिन उससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके आगे दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं हमारे इस वीडियो के पहले फ्रेज की ओर। यस, फर्स्ट फ्रेज टू यूज इंस्टेड ऑफ हैप्पी बर्थडे इज, सबसे पहला फ्रेज जिसको आप हैप्पी बर्थडे की जगह यूज कर सकते हैं, यह सबसे छोटे यानी छोटे बर्थडे बॉयज़ या बर्थडे गर्ल्स के लिए हैं, यानी छोटी उम्र के बच्चों के लिए हैं, जिनको बर्थडे विशेष के तौर पर आप कह सकते हैं हैप्पी लेवल अप डे। यानी इसका मतलब होता है कि उस बच्चे का हर वर्ष लेवल बढ़ता जाता है। जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता, यानी 18 ईयर्स ओल्ड नहीं हो जाता, तब तक उसका लेवल हर वर्ष बढ़ता जाता है, उसके शारीरिक विकास होता रहता है। तो उसको देख कर ये वाक्य, ये फ्रेज बनाया गया है। आप उन्हें कह सकते हैं हैप्पी लेवल अप डे। ये एक नया फ्रेज है। सेकंड नया फ्रेज जो आप अपने किसी भी प्रिय मित्र, बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार, मदर फादर या किसी से भी कह सकते हैं उनके बर्थडे विशेष के लिए, वह सबसे अच्छा वाक्य है विशिंग यू मैनी मोर कैंडल्स टू ब्लो। यानी हर साल ढेर सारी कैंडल्स बुझाते रहो। मैं आशा करता हूँ या मैं विश करता हूँ या मैं विश करती हूँ कि आप प्रतिवर्ष ढेर सारी कैंडल्स बुझाते रहो। कहने का मतलब है, जब भी कोई व्यक्ति अपना बर्थडे मनाता है तो हर वर्ष बर्थडे कैंडल्स जो होती है वो बढ़ती जाती है उम्र के अनुसार। तो इसका कहने का मतलब है, यह फ्रेज उन कैंडल्स के आधार पर बना हुआ है कि इस प्रकार आप ढेरों कैंडल्स बुझाते रहें, जिसका मतलब होता है कि आपकी आयु लंबी हो, आप अधिक उम्र तक जिए और बहुत सारे बर्थडेज मनाएं। नेक्स्ट जो वाक्य है वो कैजुअल है और फॉर्मल इनफॉर्मली आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हैप्पी बर्थडे की जगह कॉमनली यूज़ आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं इसको। ये हैव अ ग्रेट वन, हैव अ ग्रेट वन, यानी यह बर्थडे बाकी से बढ़िया हो, या यह बर्थडे अच्छा हो, यह बर्थडे बढ़िया हो। उसकी जगह हैव अ ग्रेट वन की जगह आप हैव अ फैबुलस वन या हैव अ गुड वन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ मिलियन मैजिक विशेज फॉर यू, आपके लिए लाखों जादुई शुभकामनाएं, या मेरी तरफ से आपके लिए लाखों शुभकामनाएं। मैजिकल विशेज जादुई भी हो सकती है या अच्छी विशेज भी हो सकती है, या ऐसी विशेज जो आपकी विशेज को पूरी करे, इसलिए उसे मैजिकल विशेज भी कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फ्रेज है जिसको आप हैप्पी बर्थडे की जगह यूज़ कर सकते हैं, अ मिलियन मैजिक विशेज फॉर यू। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, यह फ्रेज बिल्कुल इनोवेटिव है और यह साइंस पर आधारित है। अब आप कहोगे कैसे, सुनिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अनदर स्पिन अराउंड द सन, फिर से सुनिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अनदर स्पिन अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों ओर एक और चक्कर के लिए बधाई हो। आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी पूरे एक वर्ष में एक चक्कर काटती है, उसी की वजह से वर्ष बनता है। तो बर्थडे भी हम एक वर्ष के बाद फिर से मनाते हैं। तो इसका मतलब है कि सूर्य के चारों ओर एक और चक्कर लगाने के लिए आपको बधाई हो रही है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, जिसको कॉमनली आप कहीं भी यूज़ करते हुए कुछ लोगों को देखते भी होंगे, और यह बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों के लिए यूज़ किया जाता है,
ये किसी भी अच्छे दिवस के लिए यूज़ किया जा सकता है जो बार बार है, जैसे विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यह दिन आपकी ज़िंदगी में बार बार आए, यह भी लंबी आयु अच्छी उम्र की कामना के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे, आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे, मैं आपको खूबसूरत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। कैसे लगे आपको ये फ्रेजेस? क्या आप इनके बारे में जानते थे? यदि नहीं और मुझसे आपको नई जानकारी मिल रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इसके अलावा भी यदि आप कोई सेंटेंस, कोई वाक्य, कोई फ्रेज हैप्पी बर्थडे के लिए जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।